हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी की फेवरेट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, चिकन बिरयानी। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 कप बासमती राइस लिए हैं। राइस को मैंने 3 से 4 बार वॉश कर लिया है। अब हम इसमें पानी डालेंगे। चावल आसानी से डूब जाए इसमें इतना हमें पानी डालना है और 1 घंटे के लिए इसे भिगोते हुए रख देना है। मैंने 1/2 किलो चिकन लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले मैंने इसमें 1 छोटा चम्मच नमक डाल दिया, 1/4 कप दही, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 बड़े चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 नींबू का जूस, 1 छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, रेड फूड कलर ये बिल्कुल ऑप्शनल है। सारे मसालों को हम अच्छे से मिक्स करके 1 घंटे के लिए मैरिनेट कर लेते हैं। मैंने इसमें धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर का यूज़ नहीं किया है, आप अगर करना चाहो तो कर सकते हो। अब हम इसे 1 घंटे के लिए यूँ ही छोड़ देते हैं। मैंने एक तपेले में 6 कप पानी रख दिया है उबलने के लिए। अब मैं इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालूँगी, 1 बड़ा चम्मच ऑयल, और इसे हल्का सा मिक्स कर दूँगी। फिर हम इसमें भिगोए हुए चावल डाल देंगे। चावलों को हमें 7 से 8 मिनट तक उबाल लेना है। चावलों को हमें 70% तक कुक कर लेना है। देखिए बिल्कुल इस तरह से पक चुका है, टूट भी रहा है। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब हम चावल के पानी को अच्छी तरह से छान लेते हैं। एक छन्नी में डालकर हम इसे छान लेंगे और ठंडा करते हुए रख देंगे। चावल जब तक ठंडे हो जाए तब तक हम मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने 8 हरी मिर्चें ले ली है, 4 तीखी वाली और 4 कम तीखी वाली यूज़ की है। एक एक इंच के 2 अदरक के टुकड़े और 3 लहसुन की कलियां ली है, 1/2 कप जितनी पुदीने की पत्तियां। थोड़ा सा पानी डालकर हम इसे पीस लेंगे। एकदम पतला सा पेस्ट बना लेना है, बिल्कुल इस तरह से। अब हम बिरयानी का मसाला बना लेते हैं। मैंने एक तपेरे में 4 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया, 1 गरम होने के बाद हम इसमें खड़े मसाले डालेंगे। अब मैं इसमें 600 ग्राम कटी हुई प्याज डालूंगी। आपको अगर 500 ग्राम प्याज का यूज़ करना है तो आप 500 ग्राम भी कर सकते हो। मुझे थोड़ा मसाला ज़्यादा चाहिए था, इसकी वजह से मैंने 600 ग्राम प्याज का यूज़ किया है। प्याज को हम गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेते हैं। प्याज जो है वो अच्छे से भून चुकी है। अब मैं इसमें 3 कटे हुए टमाटर डालूंगी। टमाटर को भी अच्छे से भून लेते हैं। टमाटर भी अच्छे से भून चुका है। अब हम इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन डालेंगे।
हरा मसाला भी डाल देंगे जो हमने पहले पीस कर रख दिया था। अच्छे से 5 मिनट के लिए चिकन को भून लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, करीब करीब 1 बड़े चम्मच जितना पानी डाला है मैंने इसमें। अब हम इसे ढककर चिकन को 60% तक कुक कर लेते हैं। देखिए चिकन 60% तक कुक हो चुका है। अब मैं इसमें एक फ्राई किया हुआ आलू डालूंगी, फिर इसे भी अच्छे से मिक्स कर लूंगी। मैंने गैस को बंद कर दिया है। अब मैंने जो उबाल कर रखे हुए चावल थे उसको मैं इस मसाले के ऊपर डाल दूंगी और उसकी एक लेयर बना दूंगी। बिल्कुल इस तरीके से डालते जाना है। इस तरीके से मैंने जो उबाल कर रखे हुए चावल थे वो सारे डाल दिए हैं। अब मैं इसमें फूड कलर डालूंगी। मैंने ग्रीन, ऑरेंज और रेड कलर का यूज़ किया है। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर का यूज़ कर सकते हो। अब मैं इसमें तली हुई प्याज डाल रही हूँ। कटा हुआ हरा धनिया, अब हम इसे फॉइल पेपर से कवर कर लेते हैं। फिर हम इसे ढककर 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे और 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पे दम कर लेंगे। बिरयानी पकने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें। 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे खोलकर देख लेते हैं। उम्मीद करती हूँ आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब किया होगा। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और रेसिपी पसंद आए तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर करें।